थोड़ा लिंक चेक कीजिएगा जो मैंने सेंड किया है। ठीक है जी, तो अब सही, अब दो टेंडीज भी आ गए हैं, दो टेंडीज भी हमारे आ गए हैं, ठीक हो गया। तो नंबर थ्री पॉइंट है कि हम नंबर ऑफ बिन्स सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ बिन्स का मतलब है नंबर ऑफ क्लासेस। हमने इस डॉट प्लॉट के अंदर कितनी क्लासेस डिफाइन करनी है, नंबर ऑफ बिन्स, नंबर ऑफ बिन्स होती है नंबर ऑफ क्लासेस, जनरली होती हैं 5 to 12, 5 से लेके 12 तक क्लासेज होती हैं। आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, 12 से कम भी कर सकते हैं। फिर पीछे वाली लाइट्स तो बंद कर दें, तो कि सारी बंद कर दें, सारी लाइट्स बंद कर दें। बिन सिलेक्शन डिपेंड करती है डेटा साइज के ऊपर। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो बिन ज़्यादा होंगे, अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप 12 बिन। हाँ, आपने वीडियो देखी है मेरी, वो बाय डिफॉल्ट इसी डेटा को अगर आप मिनी टैब के अंदर कहें ना कि आप इसका फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बना दो, वो 9 बिन्स बना देता है। अच्छा, नहीं कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एज सच कोई रूल नहीं है, लेकिन थोड़ा डेटा के लिए 5 बिन्स और ज़्यादा डेटा के लिए 12 बिन्स, ये रूल ऑफ थंब है। उसके दरमियान में अगर आपके पास जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो 30 ऑब्जर्वेशंस का, 30 मेजरमेंट्स का एक डेटा सेट था, बर्थ डेटा, तो उसमें वो चूँकि मतलब एक रफली 30 एक मतलब मुनासिब सा एक फिगर है, एक रीजनेबली गुड फिगर है, तो बुक ने उसके लिए 8 बिन सिलेक्ट किए, लेकिन मिनी टैब बाय डिफॉल्ट उसके 9 बिन सिलेक्ट कर देता है। तो लेकिन अगर आप चाहें तो मिनी टैब में जाके उसके बिन्स कम कर सकते हैं, वो मैंने करके दिखाए थे कि मैं रेंज भी चेंज कर देता है, वो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करता है, हम उसको पहले डेटा पॉइंट से स्टार्ट करते थे। तो ये मर्जी है आपकी, मतलब आप 9 मिनट्स भी रख सकते हैं, 9 मिनट्स में कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, रेंज तो हमने दोबारा बाद में चेंज कर दी थी, वही रेंज करती थी जो हमारी रेंज है, हम नेट से। लेकिन अगर आप 9th से बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 30 डेटा पॉइंट्स, अगर आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन का 30 मेजरमेंट्स का डेटा सेट है, और अगर आप हाँ मतलब ये कर सकते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने लास्ट क्लास में बच्चे पूछ रहे थे, मैंने कहा था कुछ फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के पास भी होनी चाहिए, तो ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो स्टूडेंट्स के पास है। आप 8 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 भी। लास्ट टाइम मैंने एक होमवर्क भी दिया है क्लास में, बाद में अपने मेरी लास्ट लेक्चर की वीडियो देखी हो, जो दूसरे सेक्शन में लेक्चर हुआ था, सेक्शन ए में। हाँ, वो लंबी होती है, मुझे देखते ही नहीं है। उसके अंदर मैंने एक होमवर्क दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि आपने सेम प्रॉब्लम को 7 और 9 बिन्स के साथ करना है। तो यहाँ लेकिन हमने इसके लिए जो एग्जांपल हमने सामने अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हमने 8 बिन सिलेक्ट किए हैं। तो मैंने होमवर्क ये दिया था कि आपने सेम एग्जांपल को 7 और 9 बिन से सिलेक्ट करना है, 7 और 9 बिन से ट्राई करना है। अच्छा, तो उसके बाद नंबर 4 स्टेप ये है कि आपने बिन लिमिट्स डिफाइन करनी है, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल बिन नंबर 1 है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या? उसके बाद आपने कंप्यूट करनी बिन लिमिट्स, हर बिन की लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। वंस आपकी बिन लिमिट सिलेक्ट हो गई तो फिर आपने ये पॉइंट्स काउंट कर लिए, बिन नंबर 1 उसकी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, कितने पॉइंट्स हैं दरमियान में, वो पॉइंट्स आपने काउंट कर लिए और उतनी हाइट का एक वर्टिकल बार बना दी, वो क्या बन गई, हिस्टोग्राम, उसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। और 6 और लास्ट स्टेप ये है कि हिस्टोग्राम 5 ये है जो बनाकर दिखाइए, ये वाली ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, फिर आप करीब होकर बैठेंगे, दूर हो जाए थोड़ा सा, जितने डेटा पॉइंट्स दरमियान में आए हैं उन सबको ऐड कर दिया, 4 है, और एक हाइट बना दी जो कि प्रोपोर्शनल टू 4 है, उससे कह दिया वो बिन नंबर 1 है, ये हिस्टोग्राम है। और लास्ट स्टेप है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, आप हर हाइट को
हिस्टोग्राम के अंदर ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, आप हिस्टोग्राम में हर वर्टिकल बार की हाइट को टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देते हैं। जो एग्जांपल अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 30 हैं, तो हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। रिलेटिव हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम दिखने में एक जैसी लगती हैं, बस सिर्फ जो वर्टिकल बार्स हैं उनकी हाइट हिस्टोग्राम के अंदर वो काउंट होता है जितने पॉइंट्स आपको मिल गए थे, और रिलेटिव हिस्टोग्राम में वो हाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन योर डेटा सेट जिसको जिसके ऊपर आपने ने हिस्टोग्राम बनाई है। अच्छा, अब इसको बेहतर समझने के लिए, इन सिक्स पॉइंट्स को बेहतर समझने के लिए कि ये कैसे किसी डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास, हम फाइनली इन सिक्स स्टेप से गुजरेंगे, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए हम इन सिक्स स्टेप से गुजरेंगे और एंड पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है और इसमें जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है बर्थ वेट्स, यानी किड्स जो पैदा हुए उनके न्यू बॉर्न बेबीज के बर्थ वेट्स हैं। तो हर बेबी जो दुनिया में पैदा होता है उसका बर्थ वेट डिफरेंट होता है दूसरे बेबी से। ठीक है, ये बाय नेचर ऐसा होता है, नेचर में है। तो जो डेटा सेट हमें मिला उसमें 30 स्टूडेंट्स के बर्थ वेट्स थे पाउंड्स में, और वो ये हैं। ये मैंने इसमें अपने अपने लेक्चर नोट्स में भी दिए हुए हैं और एग्जांपल में भी सॉल्व करके दिखाए हुए हैं और अपने वीडियो लेक्चर में भी है और बुक के अंदर, ये बुक, ये असल में बुक की एग्जांपल है। अगर आपने लेट आना हुआ करें ना, फिर आप ऑनलाइन पढ़ लिया करें। ठीक है, क्या नाम है आपका, जब भी लेट आए हो, क्या नाम है? जहीर। अगर लेट आना हो ना क्लास में तो फिर ऑनलाइन पढ़ लिया करें। ठीक है, तो चीज़ें डिस्टर्ब होती, सही है, आइंदा ऑनलाइन पढ़ लेना, वो चेयर का भी तो मसला पड़ जाता है ना फिर, तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ते आप लोग, आप क्यों आए हो ये तीन बंदे पीछे वाले, घर में क्यों नहीं? आपने, हमने तो कहा हुआ है कि अगर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप घर में पढ़ें, घर में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या वजह है? कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? तुलंबा से, तो घर में तुलंबा में रहकर पढ़ लेते, यहाँ पे आ गए हो, हॉस्टल में भी रहते हो, हैं? आप साथ वाले भाई साहब, आप कहाँ से हो? घर में पढ़ लो, ये देखो सर लाइव जा रहा है, घर में लाइव पढ़ लो, बाद में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, नहीं? क्यों नहीं पढ़ते घर में? नाश्ता करना होता है यहाँ के, एक बजे से मैंने पूछा घर में क्यों नहीं पढ़ते, वो कहता सर यहाँ कैफे से नाश्ता करना होता है इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर आता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ चलो क्लास भी पढ़ लें, नाक के ऊपर करो मास्क को, क्या फ़ायदा इस मास्क को लगाने का? अगर टाइम पर ना आए ना नेक्स्ट टाइम तो फिर घर में पढ़ना, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब ना करना, हमारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है, घर में ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है, ये ऑनलाइन नज़र भी आ रहा है बच्चों को जो घर में बैठे हुए हैं, इस वक्त हमारे पास 4 अटेंडीज हैं, 4 लोग हमें घरों में बैठकर देख रहे हैं, और अपना ये बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, सही है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम घर पे पढ़ के देखना, बड़ा इंजॉय करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो ये डेटा सेट गिवन है और इसमें हमारे पास 30 मेजरमेंट्स हैं, अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है, ये टास्क है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को लेंगे और इन सिक्स स्टेप से गुजरेंगे, फाइनली जब हम सिक्स स्टेप पे पहुंचेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बन चुका होगा, है ना, अमेजिंग काम। सबसे पहले क्या करें, स्टेप नंबर 1, डॉट प्लॉट बना दें। डॉट प्लॉट बनाना आसान है, आपको डॉट प्लॉट बनाया था, मैंने ये बताया हुआ है कि डॉट प्लॉट मेरा क्या है, मेरा फेवरेट प्लॉट। तो कहाँ से आ रहे हो, आइंदा अगर लेट आना ना घर में पढ़ना, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना, आप लोग जरा पीछे हो जाए।
क्लास डिस्टर्ब करते हो हमारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, हाथ नहीं मिलाना, पीछे हो जाए, आइंदा लेट नहीं आना, अगर लेट आना फिर घर में पढ़ना। अब जरा क्या कसूर है जो वहां बैठे हैं हमें देख, आप सेटल ही नहीं होके दे रहे। अच्छा इसका डॉट प्लॉट बना लेते हैं, डॉट प्लॉट बनाने के लिए आगे थोड़ा सा नजर आ ही रहा है तो ऐसे बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। डॉट प्लॉट बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होती है और आपके देखना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर है 5 point something, इसमें मैंने याद तो किया था 5.6 है, और मैक्सिमम नंबर है 9.5, किधर है 9.5, मैंने याद तो किया हुआ है, ये 9.4 है, ये मैक्स नंबर है। तो 5, 6, 7, 8, 9, चले इसको 5 कह देते हैं, इसको 6 कह देते हैं, इसको 7 कह देते हैं, ये 7.5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8.5 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 9.5 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है जी, आ रहा नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, डॉट्स लगा देते हैं। सबसे पहले डेटा पॉइंट 7.2 को देखते हैं और यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं, ये 7.2 ये होगा ना 7.5, तो ये है 7.8, फिर ये 7.5 है तो 7.8, फिर 6.8, ये 6. क्योंकि 6.5 है, फिर 6.2, ये 6 है तो ये 6.2, फिर 8.2, ये 8 है, ये 8 है तो ये 8.2 होगा, ये 8.5 है, 8 एग्जैक्टली 8, फिर 8.2, 8.2 पहले भी आया था, 8.2, फिर 5.6, 8.6, ये 8.5 है, 8.6 हो गया, 7.1, पहले 7.2 आया था, 7.1 यहाँ हो गया, 7.2 है, ये 7.1 है, ये 7.2 है, फिर 8.2 पहले भी आया, 8.2 हाँ है, ये 8.23 हो गए, 7.7 ये 7.5 है, ये 7.6 है, ये 7.7 है, फिर 7.5, फिर 7.2 पहले भी आया होगा, फिर 7.7 पहले भी 7.7 आया, 5.8, फिर 6.8 पहले भी आया, एक दफा आया, ये 7 ये वाला ठीक हो गया, 7.8 6.8, फिर 8.5 पहले भी आया हुआ है, फिर 7.5, फिर 6.2 पहले आया है, ये 6.1 है, 7.9 पहले नहीं आया, ओ ये 7.4 है, ये 7.9 है, 7.9 पहले आया, 7.8 आया ना, ओके ये एक 7.8 हो गया, एक 7.9 हो गया, फिर 9.4 द मैक्स नंबर, ये 9.4, 9, फिर 7.8, ये 7.8 है, 8.5 ये 8 है, ये 8.6 था पहले, अभी 8.5 है, फिर 9 ये एक और आ गया 9, फिर 7.7, 5.6, 7, फिर 6.7, ये 6.5 है, 6.7 पहले नहीं आया, नहीं आया, फिर 7.7, ये 7 है, और ये 7, इस डॉट प्लॉट बन गया। सही है, फाइनली हम इसके ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा के बेंस बनाने वाले हैं। कैसे बनेंगे उसके लिए ये स्टेप है, स्टेप नंबर 2 इज रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज इज 9.4 माइनस 5.6 3.8 रेंज हो गई। स्टेप नंबर 3 डिसाइड नंबर ऑफ बेंस, जो बुक ने नंबर ऑफ बेंस सिलेक्ट किए हैं वो 8 हैं, आप 9 भी कर सकते हैं, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट लिमिट नहीं है, 5 टू 12 कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं, 5 टू 12 कोई भी नंबर ले सकते हैं, बुक ने इसके लिए 8 लिया है, आप चाहे तो 9 ले लें, चाहे तो 7 ले लें,
मैंने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था बच्चों को, उससे मैंने कहा था कि अपने सेम प्रॉब्लम को 7 बिन्स और 9 बिन्स के साथ करना और देखेंगे कि आपका हिस्टोग्राम किस तरह से डिफरेंट बनता है। और स्टेप नंबर 4 है बिन लिमिट्स। बिन लिमिट्स से पहले, बिन लिमिट्स बनाने से पहले हमें इंटरवल बनाना पड़ता है। इंटरवल होता है रेंज ओवर नंबर ऑफ बिन्स। रेंज ओवर नंबर ऑफ बिन्स, रेंज है 3.8, ओवर नंबर ऑफ बिन्स हैं 8, तो ये इसका आंसर आता है 0.45। इसका आंसर है 0.45, अप्रॉक्सीमेटली 0.5। तो अब आपने बनानी है बिन लिमिट्स, बिन लिमिट्स फॉर डिफरेंट, बिन लिमिट्स फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। कितने इंटरवल्स हैं आपके पास? 8 इंटरवल्स हैं, 8 बिन्स हैं, उनकी आपने इंटरवल लिमिट सेट करनी है। यानी बिन नंबर 1 के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बिन नंबर 2 के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट। नंबर ऑफ बिन्स आप 5 to 12 रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो आप 12 बिन्स तक रख सकते हैं, अगर छोटा डेटा सेट है तो 5 रख सकते हैं। 5 से कम नहीं रखने चाहिए, 12 से ऊपर नहीं रखने चाहिए, वरना फिर इलस्ट्रेशन 30 है ना, डेटा पॉइंट्स नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 30 है, तो 8 रीजनेबली गुड है। आप 9 भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट लिमिट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, क्यों फॉर्मूला नहीं है। अगर आपके पास हम एग्जाम में आपको दे दें एक 50 पॉइंट्स का, 50 मेजरमेंट्स का डेटा सेट, तो आप उसके लिए कितने नंबर ऑफ बिन सिलेक्ट करेंगे? 10, 9 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आपकी मर्जी है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब हम बनाने वाले हैं बिन लिमिट्स। इंटरवल्स का मतलब ये है कि अगर आपने इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको दो वर्टिकल लाइंस लगाकर एक बिन की लिमिट्स डिफाइन करनी होती हैं। हर बिन की एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, उस लिमिट के, वो जो लोअर और अपर लिमिट्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, 0.5, 0.6, 1, 1.5, कितनी होनी चाहिए, हर बिन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन है ना। क्या आंसर है इसका? इंटरवल, मतलब इंटरवल का मतलब है बिन विड्थ, विड्थ ऑफ ईच बिन, हर बिन कितना चौड़ा होना चाहिए। कोई आदमी कहेगा एक बिन यहां से लेके 5 to 6 होगा, कोई आदमी कहता है नहीं एक बिन होगा 5 to 5.5, फिर 5.5 to 6 दूसरा बिन होगा। एक साहब में ये कहते हैं नहीं 5 to 6 एक बिन होगा, 6 to 7 दूसरा बिन होगा, 7 to 8 तीसरा बिन, ठीक है। तो बिन विड्थ तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, कोई आदमी बिन विड्थ 1 लेना चाहेगा, एक और दोस्त हैं वो बिन विड्थ 0.5 लेना चाहेंगे, एक और दोस्त हैं पीछे बैठे हुए हैं तो लंबा वाले, वो बिन विड्थ 0.7 लेना चाहेंगे। तो डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं लोगों की। तो कितनी लेनी है बिन विड्थ? बिन विड्थ लेनी है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स, वो आपने पहले से डिसाइड कर लिए हुए। हाँ, 7 भी ले सकते हैं, मैंने एंड पे एक होमवर्क देने वाला हूँ, उसमें आपने सेम क्वेश्चन को 7 और 9 बिन्स के साथ भी करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इसके लिए 8 सिलेक्ट किया, आप 7 भी कर सकते हैं, मैं एक होमवर्क दूंगा उसमें 7 और 9 करने होंगे, ठीक है। तो बुक ने इसके लिए 8 सिलेक्ट किए, हमने भी 8 सिलेक्ट कर लिए बुक के साथ अपना आंसर मैच करने के लिए। आप घर जाके आप 9 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। बिन लिमिट्स के लिए से पहले आपको बिन विड्थ बतानी है, बिन विड्थ हमने बता दी, अब हम बिन लिमिट्स बनाने लगे हैं। बिन लिमिट्स हैं ये, कितने बिन्स हैं? बिन नंबर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बिन नंबर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हमारी बिन विड्थ। बिन विड्थ डिसाइड करेगी कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट कितना होगी। बिन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट करें? व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट? 5.6 लोएस्ट नंबर है। जब हम मिनी टैप में करते हैं, मिनी टैप 5 से स्टार्ट कर देता है, आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बुक पर क्या कहता है? बुक कहती है 5.6 से स्टार्ट करें, आप 5.6 से स्टार्ट कर दें, कहीं से भी 5.4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन बुक के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए आप कहां से स्टार्ट कर दें? 5.6 से, फर्स्ट डेटा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो लीस्ट ऑब्जर्वेशन है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक 5.6 से स्टार्ट लें जी। 5.6 से हमने स्टार्ट कर 5.6, ठीक है जी। बिन नंबर वन की अपर लिमिट क्या होगी? विन वेट्स ऐड कर दें, 0.5 ऐड कर दें, 5.6 प्लस 0.5 क्या बन गया? 6.1 बन गया ना। क्वेश्चन किसी का भी क्वेश्चन है? वो मैंने गलती से 0.61 पहले लिख दिया था, फिर मैंने काट के उसको 6.1 किया हुआ, शायद ये कन्फ्यूजन है। बिन नंबर टू, फिर बिन नंबर थ्री, 4, 5, 6, 7, 8 हर बिन के लिए हमें बतानी है बिन विड्थ। बिन विड्थ पता है, हर बिन की अपर और लोअर लिमिट बतानी है। तो जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होगी, और इसकी अपर लिमिट कैसे आएगी? 0.5 ऐड करने से 6.6, ये 6.6 लोअर लिमिट है, 7.1, फिर 7.1 लोअर लिमिट है, 7.6 अपर लिमिट है, 7.6 8.1, 8.6, 8.6, 9.1, 9.1, 9.6, ठीक है जी। ये बिल लिमिट्स बन गई। जब मैं लास्ट टाइम ये पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा कि सर ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, कि ये 6.1 यहां पर भी है और यहां पर भी है। अगर एक 6.1 डेटा पॉइंट होता है, कोई 6.1 है, ये 6.1 डेटा पॉइंट है, ये जो 6.1 डेटा पॉइंट है, ये मैं इधर काउंट करूंगा या उधर काउंट करूंगा? बिन नंबर वन में काउंट करूंगा या बिन नंबर टू में काउंट करूंगा? इसका क्या आंसर है? और ये 6.1 डेटा पॉइंट है भी हमारे पास, बिन नंबर टू, क्योंकि सर वहां से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, असल में अगर हम चाहें तो हम दोनों में से किसी एक में इसको ऐड कर सकते हैं। 6.1 को दोनों में से किसी एक में इंक्लूड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये असल में ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.6 अप टू लेस देन 6.6, ये ऐसे होते हैं। अच्छा, फिर वो बच्चा मुझसे पूछता लास्ट लेक्चर में कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 5.6 इस बिन में इंक्लूडेड है, 6.1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जिस तरह भी आपने कहा कि 6.00009 तो इसमें इंक्लूडेड है, 6.0999 तो इंक्लूडेड है, लेकिन 6.1 नहीं है, 6.1 इसमें इंक्लूडेड है। तो बच्चा कहता कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हम 6.1 को इधर इंक्लूड कर लें, इधर ना करें। मैंने कहा फिर ये देखो, अगर 5.6 को यहाँ इंक्लूड किया, 6.1 को भी यहाँ इंक्लूड कर लिया, इसका मतलब 6.1 को यहाँ इंक्लूड ना करें, ये हो जाए ग्रेटर देन 6.1, ठीक है, ठीक है, और हम इसको इंक्लूड कर लें, ठीक है, इसको इंक्लूड कर लें, तो फिर क्या होगा कि इसके राइट्स और हो गए, इसके राइट्स और हो गए। यहां पर ये इंक्लूड किया हुआ है, ये इंक्लूड, लोअर लिमिट को इंक्लूड किया हुआ है, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया हुआ। यहां पर लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया हुआ, अपर लिमिट को इंक्लूड किया हुआ है, उसके बाद लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया हुआ, अपर लिमिट को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसके राइट्स और हो गए, बाकी सबके राइट्स और हो गए। अगर इन सबके राइट्स बराबर करने हैं तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन है, इसमें सबके राइट्स बराबर हो जाते हैं, सबके साथ इंसाफ हो रहा है ना। सारे बिन्स में लोअर लिमिट इंक्लूडेड है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं है, वो नेक्स्ट में है,
तो ये सबसे अच्छा है। तो हमें उसे पीछे ही रहना चाहिए। ठीक है ठीक है, मतलब सही है, बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसे है, मतलब जो अपर लिमिट है वो लेस देन है। ठीक हो गया जी। अब हम ऑलमोस्ट रेडी हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए, हमने सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, अब हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए तैयार हैं। क्या करें लिमिट्स पुट करते हैं जो भी हमने बनाई हैं। लोअर लिमिट है 5.6, अपर लिमिट है 6.1। तो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं 5.6, ये 5 है, ये 5.5 है, ये 5.6 है, तो 5.6 ही के डेटा पॉइंट भी है और ये है 6.1। अब ये 6.1 वाले डेटा पॉइंट को काउंट करें या ना करें? नहीं करना। तो इधर कितने हो गए? इधर 2 डेटा पॉइंट्स, इधर 2 डेटा पॉइंट्स। 6.1 को यहाँ काउंट नहीं करना क्योंकि ये जस्ट बिफोर 6.1 है, जस्ट लेस देन 6.1 है। यस है। तो 6.1 कहाँ काउंट होगा? इससे आगे वाले में, और वो 6.6 से जस्ट लेस पे खत्म हो जाएगा। ये 6.7 है पॉइंट, यहाँ भी 2 हो गए। इस बिन की विड्थ भी, इस बिन की हाइट भी 2 हो गई। बिन विड्थ तो बराबर है सबकी, 0.5 0.5। बिन हाइट्स मुख्तलिफ होंगी और बिन हाइट किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो हमें उस बिन में मिलते हैं, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमें उस बिन में मिलते हैं, बिन हाइट उसके प्रोपोर्शनल होगी। अब 6.6 से नेक्स्ट है 7.1 7.1। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 7.6 है, इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6। शायद हमसे कुछ 1 2 3 4 5, शायद ये एक पॉइंट हमसे इधर लग गया गलत से, इनमें शायद एक पॉइंट आगे है, ये कुछ ऐसा है, ये एक पॉइंट आगे है। हाँ अच्छा, ये एडिशनल है, चलें ठीक है। वो पहले हमसे कुछ मिस्टेक हुई है पॉइंट्स बनाने में, तो ये 5 है सब। उसके बाद जो नेक्स्ट बिन है उसमें 8 है, वो है 7.6 से 8.1 के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 8.1 से 8.6 तक, उसमें 4 है। उधर हमने 4 लिखे हैं, कितने 5 है, शायद एक पॉइंट इसमें हमसे कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो लेकिन 5 है। ठीक हो गए, पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद उससे नेक्स्ट में 9.1, ये इसमें 3 है और इसमें 9.6 तक है, इसमें 1 है। सही है, ये लिमिट्स तो यहाँ पे हमने लिखी थी इस टेबल में, वहाँ उनको प्रैक्टिकली वर्टिकल लाइंस के साथ बना के दिखा दिया है। अब हमारे पास है बिन्स। कितने बिन्स? 8 बिन्स। बिन नंबर 1 पहले ड्रॉ करते हैं, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स हैं, उसकी हाइट सिर्फ 2 होगी। उसके बाद बिन नंबर 2 की हाइट पे 2 होनी चाहिए और सबकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए। बिन नंबर 3 में 4 डेटा पॉइंट्स हैं, उसकी हाइट होनी चाहिए इनसे डबल। ठीक है,
हाँ हाँ बन सकते हैं, ये ब्लॉक्स ही बनाने हैं फाइनली, आपकी मर्जी ऐसे मर्जी बना लें। फिर फाइव फिर उससे नेक्स्ट में एट है, और फिर उससे नेक्स्ट में फाइव है, फिर थ्री है, और फिर वन है। तो ये आपके बिन नंबर वन हो गए। इसकी लिमिट्स हैं 5.62, 6.1, 6.6, 7.1, 7.6, 8.1, 8.6, 9.1, 9.6। ये बिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, समझ आ गई। ये जो बन गई है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ बेन्स हैं और बेन लिमिट्स हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी है। हर बेन में, बेन मतलब रेंज ऑफ नंबर्स, इस रेंज में कितने नंबर्स हैं। मतलब अगर आप गौर करें तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि 5.6 से 6.1 के दरमियान में इतनी मेजरमेंट्स थी उस सैंपल में जो आपको मिला। 6.1 से 6.6 के दरमियान में दो मेजरमेंट्स थे, 6.6 से 7.1 के दरमियान में फोर में। ये असल में ये बता रहा है, असल में ये बता रहा है। जो डेटा पॉइंट्स थे, हमने डेटा पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ किए थे, 30 मेजरमेंट्स का डेटा हमने यहाँ ड्रॉ किया था। ये बता रहा है कि उसमें 5.6 से लेकर 6.1 तक के दरमियान में इतनी मेजरमेंट्स थी, इस रेंज में इतनी थी, इस रेंज में इतनी। ठीक है, हाँ होंगे दो डॉट्स, मुझसे कुछ मतलब हो सकता है कि मैं उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई हो, आप इसे कहते हैं दोबारा ड्रॉ कर लीजिएगा। 7.5 पे दो डॉट्स होंगे, दो पॉइंट्स से 7.5 पे दो पॉइंट्स से, कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि इसको आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा दोबारा। मैंने बुक में भी, यहाँ भी किया हुआ है, बुक में भी किया हुआ है। हो सकता है मुझसे यहाँ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम हो गया, मैं दोबारा वापस आके वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि इस रेंज के अंदर इतने नंबर्स हैं। हाइट जो है वो नंबर्स के प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, इसमें हाइट बता रही है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और एक्स पे रेंज है रेंज ऑफ नंबर्स लिमिट्स, बेन लिमिट्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, इससे क्या आइडिया होता है, इससे मतलब क्यों बनाते हैं इसको, आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे? समहाउ एवरेज का पता लग जाता है, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है, और ये वो ग्राफ है हिस्टोग्राम या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम जो स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ प्लॉट है, स्टैटिस्टिक्स की दुनिया का सबसे फेमस प्लॉट है हिस्टोग्राम। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के बारे में बताता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस रेंज में कितनी मेजरमेंट्स हैं, किस रेंज में कितनी मेजरमेंट्स हैं। या अगर ये न्यू बॉर्न बेबीज का डेटा है, तो
तो किस वेट के न्यू बॉर्न्स सबसे ज्यादा पैदा हो रही है? 7.6 से 8.1 पाउंड्स के दरमियान के न्यू बॉर्न्स सबसे ज्यादा इस रेंज में न्यू बॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, ये मतलब है इसका, ये मतलब है किस रेंज में आपके पास मेजरमेंट सबसे ज्यादा है, किस रेंज की मेजरमेंट्स कम है? क्या इसके अंदर एक पीक है? एक पीक नजर आ रही है, एक पीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मतलब, सिमेट्रिक का मतलब एक पीक है और उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये बताता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, स्क्यूड टू द राइट तो नहीं है, मतलब यहाँ पर एक पीक मिल जाए और राइट साइड के ऊपर एक लंबी सी टेल हो, स्क्यूड टू द लेफ्ट तो नहीं है कि राइट साइड के ऊपर लंबी सी टेल, लंबी सी एक हाइट मिल जाए और लेफ्ट साइड के ऊपर लंबी सी टेल हो, ठीक है, तो स्क्यूड टू द लेफ्ट तो नहीं है, स्क्यूड टू द राइट तो नहीं है। अभी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मतलब आज के लेक्चर में थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि ये हमें और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन, हिस्टोग्राम हमें और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। और फाइनली नंबर, स्टेप नंबर सिक्स है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, जो कि कोई डिफरेंट हिस्टोग्राम नहीं होती, यही होती है, बस क्या करते हैं हर एक को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स से। ठीक है, सो दैट कि जब इन सब हाइट्स को ऐड करें, हाइट्स ऑफ ऑल बिन्स को ऐड करें तो आंसर आ जाता है वन, वन बन जाता है, आंसर बन जाता है वन। अच्छा जी, ये जो हमारे डॉट प्लॉट या हिस्टोग्राम्स ये सिमेट्रिक हो सकती है, ये एक सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है। सिमेट्रिक का मतलब है एक हाइट, एक एक मॉड है, मतलब एक मैक्स वैल्यू है और उसके अराउंड लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर एरिया अंडर द कर्व ऑलमोस्ट इक्वल है। तो तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं, सिमेट्रिक होती हैं, स्क्यू टू द लेफ्ट होती हैं या स्क्यू टू द राइट होती हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ऐसे हिस्टोग्राम या ऐसा डॉट प्लॉट जिसमें आपके पास एक हाइट हो और अगर आप उसका एनवेलप बनाएं ऊपर ऐसे, तो लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल एरिया अंडर द कर्व हो, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे रिजल्ट सिमेट्रिक हो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर टीचर्स हमें सिमेट्रिक रिजल्ट सबमिट कराएं, जिसमें अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका सी जी पी एज हो और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों जिन्होंने वो सी जी पी ए लिया है, तो अच्छा रिजल्ट वो होगा कि 3 सी जी पी ए वाले मैक्सिमम लोग हों, 3.3 वाले कम हों, 2.7 वाले कम हों, 2.3 वाले और भी कम हों, 3.6 वाले और भी कम हों, 4 वाले एक दो हों, एक दो ही फेल भी हों, ये रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिजल्ट, रिजल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो तो बहुत अच्छी होती है। कुछ भी नहीं, बस वो उसका वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ही है, शेप ऐसी रहेगी, बस हाइट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाएगा। पहले 5 था वो 5 ओवर, पहले 2 था वो 2 ओवर 30 है। 30 से हमेशा 30 से डिवाइड नहीं करना, जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आपको डेटा में गिवन है, अगर 50 मेजरमेंट्स थी आपके पास तो 50 से डिवाइड कर देना, ठीक है, हमेशा 30 से नहीं, 30 कोई कांस्टेंट नहीं है, हाँ इसलिए हमने 30 से डिवाइड किया, कुछ नहीं करना, बस ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। हाँ अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनानी है तो फिर तो जाहिर बात है हर काउंट को टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड करना होगा, तभी वो रिलेटिव बनेगी, रिलेटिव मतलब रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, मतलब ये है। अगर रिलेटिव नहीं है, सिर्फ हिस्टोग्राम है, तो फिर डिवाइड नहीं करना, फिर तो बाइक्स इसके ऊपर हाइट होगी,
अगर रिलेटिव है तो फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। जस्ट इस बार चार्ट होता है। हाँ आप बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कर दी आपने कि ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, बल्कि दूसरी क्लास को जब मैंने पढ़ाया तो मैंने उनको पहला पॉइंट यही बताया जाके, और यहाँ पर भी मैंने जो लेक्चर है इसके अंदर बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैंने लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर टू अ बार चार्ट बट इट इज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। जो बार चार्ट हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन इसको नहीं नहीं मतलब हिस्टोग्राम रिलेटिव को छोड़ दें अभी, आप जो हिस्टोग्राम है ना वो असल में बार चार्ट ही की तरह की है। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम इक्विवेलेंट है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को छोड़ें आप अभी, हिस्टोग्राम इक्विवेलेंट ही है बार चार्ट के, लेकिन किस बार चार्ट के? हमने बार चार्ट एक क्वालिटेटिव डेटा के लिए पढ़ा था, एक क्वांटिटेटिव के लिए पढ़ा था, किस बार चार्ट के लिए? क्वालिटेटिव डेटा का, कैटेगोरिकल डेटा का जो बार चार्ट था ना जो शुरू में पढ़ा था, हिस्टोग्राम उसका इक्विवेलेंट है, लेकिन ये किसके लिए ड्रॉ करते हैं? ये क्वालिटेटिव के लिए नहीं करते, इसे क्वांटिटेटिव के लिए करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर इसे क्वालिटेटिव के लिए कर ले तो क्या होगा, अगर हिस्टोग्राम हम क्वालिटेटिव के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दें तो वो क्या बन जाएगा? बार चार्ट बन जाएगा। हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वो हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसलिए हम ड्रॉ ही नहीं करते। ठीक है, हिस्टोग्राम हम कभी क्वालिटेटिव डेटा के लिए ड्रॉ नहीं करते क्योंकि वो बार चार्ट ही बन जाता है, हम इसे हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा के लिए प्लॉट करते हैं, और ये इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब है, इस साइन का मतलब है कि ये इक्विवेलेंट है बार चार्ट के, कौन से बार चार्ट के? जो क्वालिटेटिव डेटा के लिए पढ़ा था, क्वांटिटेटिव वाला बार चार्ट नहीं, वो डिफरेंट था। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अ डॉट प्लॉट या हिस्टोग्राम दोनों सिमेट्रिक होते हैं अगर उनके पास एक ही पीक है, सिंगल पीक है, और एरिया टू द लेफ्ट और एरिया टू द राइट, एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड टू द राइट ऑफ इट हमारे ये लाइव नहीं जा रही, इधर चेक करना। ठीक है, वो कह रहे हैं हो रहा है, चेक करना। ठीक है, ये टीम्स का प्रॉब्लम, टीम्स का फायदा ये है कि अगर डेटा कनेक्शन मेरा मतलब स्लो भी है ना, पुअर डेटा कनेक्शन भी है तभी अच्छा काम करता है, लेकिन YouTube लाइव इतना अच्छा काम नहीं करता, उसके लिए बैंडविड्थ बहुत अच्छी चाहिए। लेकिन वो मुझे एक सॉफ्टवेयर बता रहे हैं आप, वो आप मुझे लिंक सेंड करेंगे ना तो मैं उसको ट्राई करूँगा। फिर हम यूट्यूब लाइव का मुझे क्या एडवांटेज होता है पता है आपको? क्या एडवांटेज होता है मुझे? डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना पड़ता अपने चैनल पर, बस ये एडवांटेज होता है। तो अगर आप वो मुझे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर देते हैं अभी आज व्हाट्सएप में, तो मैं शाम को उसे ट्राई कर लूँगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास यूट्यूब लाइव पर पढ़ाएंगे। एक दो क्लासेस मैंने यूट्यूब लाइव पर पढ़ाई है, लास्ट वाली क्लास भी पढ़ाई है, उससे कनेक्शन ठीक था। हाँ यहाँ पर बेहतर होगी आज, कुछ है प्रॉब्लम चल रहा है चलें, लेकिन टीम्स बहुत अच्छा है। अगर बैंडविड्थ कम भी हो तो टीम्स के ऊपर मैं लाइव जाता रहता हूँ। बस इसके केस में एक सिमेट्रिक प्लॉट्स हो सकते हैं, एक प्लॉट्स स्क्यूड टू द राइट हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के प्लॉट्स, और या स्क्यूड टू द लेफ्ट हो सकते हैं। स्क्यूड प्लॉट्स भी दो तरह के हो सकते हैं, अगर हिस्टोग्राम या डॉट प्लॉट ऐसे है इधर पीक है और इधर एक लॉन्ग टेल है,
ठीक है, तो ये अच्छा ग्राफ नहीं है, ये स्क्यूड टू द, उसमें मैंने गलत बताया हुआ है उसमें लिमिट के अंदर, ठीक कर दिया है नोट्स में, ये स्क्यू टू द लेफ्ट है, जिस साइड पे टेल है वो स्क्यू है, यहाँ मैंने वो गलती से राइट लिख दिया था इसको, लेकिन फिर मैं बाद में मैंने ठीक कर दिया है, ये मैं रेड पेन से ठीक किया, इसकी फोटो मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, यू अंडरस्टैंड कर चुके, ये मुझसे गलत दिखा गया था। तो और अगर टेल लेफ्ट, अगर टेल राइट पर है और हाइट लेफ्ट पर है तो ये स्क्यू इस तरफ को है, ये स्क्यू टू द राइट है, ये वहाँ उल्टा लिखा गया था नोट से, मैंने बाद में ठीक कर दिया था लेकिन वो मैंने शेयर नहीं किया, आज कर देता हूँ, स्क्यू टू द राइट है। इस तरह के जो स्क्यू टू द लेफ्ट ग्राफ है जिनमें राइट साइड के ऊपर एक पीक मिलती है, अगर हमारे रिजल्ट का ग्राफ ऐसा मिले तो हम क्या समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये CGPA वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर हमारे पास 3 CGPA था, यहाँ पर 4 था, इतने सारे बच्चे 4 के आसपास आ गए और इधर लोअर साइड पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि ये रिजल्ट किसने बनाया है, ये हम समझेंगे ये डॉक्टर शाहिद साहब ने बनाया है ना, ऐसे ही होता था ना उनका रिजल्ट, सारे जनाब 4 के आसपास, हर बंदा 3.8 3.9, जो आया है जो नहीं आया, जो तुलंबा में पढ़ रहा है, जो लाहौर में पढ़ रहा है बैठ के, जो नहीं है, जो सो रहा है उसका भी 3.8, जो आके क्लास में पढ़ रहा है, जान लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, असाइनमेंट सबमिट करा रहा है, उसका 3.9, ऐसे ही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसको हम अच्छा ग्राफ नहीं समझते, क्यों नहीं समझते, क्योंकि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह कुरान में कह देते हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं होते, तो हमेशा जानने वालों, आप अगर आप एक टीचर हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स के दरमियान, अच्छा पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ अच्छा पढ़ाना टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना जिसके अंदर वो पढ़ने वाले बच्चों में, अच्छे बच्चों में और बुरे बच्चों में फ़र्क कर सके, बुरे का मतलब वो जिन्होंने पढ़ा नहीं, ठीक है, और तीसरी बात ये उसकी इवेल्युएशन में भी ये ना हो कि सारे बच्चे ऐसे हो जाए, यानी ग्राफ स्क्यू टू द लेफ्ट हो जाए और पीक जो है वो राइट साइड पे अचीव हो जाए, ऐसा भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि पीक लेफ्ट साइड पे अचीव हो जाए, उधर एक अमीर अब्बास साहब टीचर हैं इलेक्ट्रिकल में, वो ऐसे पढ़ाते हैं तो वो टू द लेफ्ट होता है सारा ग्राफ, ऐसे स्क्यू टू द लेफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मेरे दोस्त हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, 3 के अराउंड मैक्सिमम लोग होने चाहिए और उसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर, उसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर कम लोग होने चाहिए, उसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर कम लोग होने चाहिए और ऑलमोस्ट एरिया ऑफ द कर्व लेफ्ट और राइट के ऊपर सेम होना चाहिए, जितना लेफ्ट पे उतना राइट पे होना चाहिए, ऐसे ग्राफ्स अच्छे होते हैं, ठीक है जी। तो हमें ऐसे ग्राफ अच्छे नहीं लगते, अगर मिल जाए तो फिर हम उनको ठीक कराते हैं, टीचर से ठीक कराते हैं, तो ये डॉट प्लॉट हम बहुत बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर से ठीक करवाते हैं, मतलब अगर ऐसा ग्राफ हो कि जिसमें ज़्यादा लोग लेफ्ट साइड में हैं और स्क्यू टू द राइट है या इसके वाइस वर्सा है, तो फिर हम उन ग्राफ्स को ठीक करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमें हमारी ज़िंदगी में इसका, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, किसका, डॉट प्लॉट का मेरी जिंदगी में बहुत रोल है, ठीक है। तो उसके बाद है आउटलायर्स का नाम बता रहे हैं, आउट मतलब बाहर, लायर मतलब पड़े हुए, ऐसे पॉइंट्स जो बाहर पड़े हुए हैं ना उनको आउटलायर्स कहते हैं, जैसे आप फॉर अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट, यानी जहाँ पर बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है उससे काफ़ी दूर, अगर वो वन डायमेंशनल डेटा है तो राइट साइड पे भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने इसके एग्जांपल दी हुई है कि एक क्लर्क है, उसको हमने कहा कि ये CGPA एंटर कर दो, क्लर्क ने कहा अच्छा जी मैं कर देता हूँ, अब वो जरा जल्दी में था, उसने किया 2.8, हमने उसे कहा ये CGPA है, ये एंटर करनी है 3.0 3.0 3.3 2.4
3.4, 3.4, 2.4, 3.3, 2.4, 3.4, 3.0 और 2.1. ये मैंने उसको हाथ से लिख के दिया, मैंने कहा तुम जल्दी से इस एक्सेल की शीट में एंटर कर दो। अब मैं भी जल्दी में था और क्लर्क भी जल्दी में था, तो उसने क्या किया, उसने बजाय 2.1 एंटर करने के उसने 0.21 एंटर कर दिया। ठीक है, 2.1 एंटर करने के बजाय उसने 0.21 एंटर कर दिया, मतलब 2 के बाद उसने डॉट प्रेस करना था फिर 1 प्रेस करना था, उसने पहले डॉट प्रेस कर दिया फिर 2 और 1 प्रेस कर दिया, जल्दी में था। ठीक, गलती होगी ना, एक बच्चा फेल हो गया पास से, पास था ना 2.1 वाला, 0.21 से वो फेल हो गया। अगर मैं डॉट प्लॉट बनाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा, अदरवाइज मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा पता करना। कैसे पता लगेगा, वो काफी दूर होगा। अगर मैं डॉट प्लॉट बनाऊंगा, देखिए डॉट प्लॉट का एक और फायदा ये है, 0 ये है 2 और ये है 4, ये 3 ये 1। अब मैं इनको अगर प्लॉट करता हूं, पहला पॉइंट है 2.8 यहां बन गया, 3 यहां, फिर एक और 3, फिर 3.3, फिर ये 2 है 2.4, फिर 3.4, फिर 3 और फिर 0.21। 0.21 कहाँ होगा, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.2 है, यहाँ होगा। जैसे मैं इसका प्लॉट बनाऊंगा मुझे पता लग जाएगा क्लर्क ने मिस्टेक की है ना। क्यों बोला, कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट काफ़ी दूर है यहाँ से, बाकी सबसे काफ़ी दूर है, तो मैं इसको गौर से, ये ऑड है, मैं इसे गौर से देखूंगा, ये बाकी 0.21 है, ये उसने गलती से तो 0.21 नहीं कर दिया। इसका ज़्यादा फायदा मुझे तब होगा जब मैंने 500 स्टूडेंट्स के CGPS उसे टाइप करवाए, जब मैंने उसे 500 स्टूडेंट्स के CGPS टाइप करवाए और उसे कहा जल्दी कर दो मैंने भी जाके कहीं प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, उसने जल्दी जल्दी टाइप कर दिए, मैंने कहा अच्छा प्रेजेंट करने से पहले मैं इनका डॉट प्लॉट बना लेता हूँ। जैसे ही मैं डॉट प्लॉट बनाऊंगा अगर उसने एक गलती की होगी तो मुझे यहाँ नजर आएगी, बाकी मैंने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा फॉर एग्जाम्पल करवाया था, 999 मुझे ठीक नजर आएंगे, एक यहाँ नजर आएगा, उससे दो नजर आ जाए। मैं फटाफट हाँ नहीं, आप तो में ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन एरर भी तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो आमतौर पर हम ऐसा करते हैं कि जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं फिर हम उनको गौर से देखते हैं, सभी को देखते हैं, सभी को गौर से देखते हैं, इनको नहीं देखते, फिर वो डेटा का पार्ट बन गया। आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, लेकिन फिर हम सबको देखते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन एरर्स की भी एक लिमिट होती है ना। क्लर्क्स आमतौर पे जल्दी में गलती करते हैं, नाड़ी नहीं होते, जो जिस क्लर्क की आप बात बता रहे हैं वो तो नाड़ी लग रहा है मुझे। अच्छा चलिए, खैर यूनि मॉडल और बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद हमने पढ़ी है, जो चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने यूनि मॉडल और बाय मॉडल पढ़े थे। हिस्टोग्राम बनाते हैं, चाहे वो स्क्यू टू द लेफ्ट हो, राइट हो या सिमेट्रिक हो, लेकिन अगर पीक एक ही है ना तो यूनिमॉडल। मॉडल का मतलब होता है पीक, मॉड, मॉड हम पढ़ेंगे, मॉड नेक्स्ट लाइक चैप्टर नंबर 2 में हम मॉड पढ़ेंगे, मॉड के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी का, जिस बिन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो पीक पे भी तो पहुंच जाएगा ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो बाय एक्सिस में पीक पर पहुंच जाएगा। तो मॉड का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होता है या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ज्यादा होगी वो हिस्टोग्राम के अंदर उसकी पीक भी, उसकी हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें सिंगल मॉड है, ये इसका मॉड है, ये मॉड है, इसको मॉडल क्लास भी बोलते हैं। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में आपने सुना होगा, चैप्टर नंबर 2 के जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए, मैंने काफी सारे कर दिए हैं चैप्टर नंबर 2 के, है ना। तो कल मैं रात में एक लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा तो मुझे ख्याल है कि काफी ज्यादा हो गए हैं,
हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स काफी आगे चल रहे हैं और हमारी क्लास से काफी पीछे है। पाइथन के ऊपर मैंने एक सिमुलेशन बनाई है, वो आप लोगों को आप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, बल्कि रात मैंने एक और बनाई है, वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है। नहीं, अपनी वीडियो नहीं अपलोड की, मैं करूँगा। कल रात मैंने एक और बनाई है छोटी सी, मतलब वो सिमुलेशन, एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं पाइथन के जिनको अगर आप रन करेंगे उससे सिंपल है। पाइथन को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आइडियली हाँ जी आइडियली नहीं, आप उसके अंदर कोड लिखते हैं, वो पूरा एक वर्किंग एनवायरनमेंट है। IDLE ये फ्री है, आजकल 3.8 है और ये फ्री टू यूज है। आप डाउनलोड करें python.org से, बिल्कुल फ्री है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और VS Studio बहुत सारे हैं, नहीं नहीं IDEs जो पाइथन के लिए IDEs है ना, वो बहुत सारी हैं। Anaconda भी है, PyCharm भी है। लेकिन पहले Visual Studio होना चाहिए आपके पास। हाँ, Anaconda डाउनलोड करने के लिए Visual Studio होना चाहिए। Visual Studio तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर या IDEs डाउनलोड करने के लिए आपके पास होना चाहिए। बल्कि किसमें नहीं, आप कुछ भी नहीं करते। आप इस IDLE के अंदर, पाइथन IDLE के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, बल्कि मेरे वाली फाइल आप पाथ में रख देंगे, जो भी पाथ आपने दिया हुआ है आप वो पाथ में रख देंगे और उसको रन कर देंगे। अच्छा, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो आप कॉल कर सकते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज कॉल की जा सकती हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली लाइब्रेरीज वो होती हैं जो बाय डिफॉल्ट जब आप पाइथन की IDLE डाउनलोड करते हैं तो वो आ जाती हैं। इसके अलावा भी पाइथन के लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, अगर आप कुछ एडवांस काम करना चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर उन्होंने पाइथन के कोड्स मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि उन्होंने एप्लेट्स बनाए हुए हैं। अगर आप बुक में देखें ना, बुक के अंदर उसने जावा एप्लेट्स बनाए हुए हैं। जावा के एप्लेट्स GUIs होते थे, अभी भी होते हैं, अब जावा को यूज करता नहीं है, मतलब कम लोग यूज करते हैं। GUIs होते थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके अंदर कुछ चीजें बनी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप एक सैंपल जनरेट करना चाहते हैं जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स इतनी है, तो आप बता देते हैं जी मैं 10 मेजरमेंट्स का एक सैंपल जनरेट करना चाहता हूँ। आप 10 लिख के एंटर कर देते हैं तो वो 10 आपके पास आ जाएंगे। आप उसका मीन कंप्यूट करने के, तो मीन का एक बटन है, आप मीन को क्लिक करेंगे तो आपको उसे क्लिक करेंगे तो उसका मीन कंप्यूट हो जाएगा। अगर आप मीडियन कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसका एक बटन है। तो किसी किसी जगह पर मिनी टैब के अलावा कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जिस तरह जावा यूज़ करके उसने एप्लेट्स बनाए हैं कुछ चीज़ों को बेहतर समझाने के लिए, वो बुक ने समझाए, हमने उसकी जगह पर पाइथन फ्री है, हमने पाइथन के कोड लिख दिए हैं, वो आसान है। आप पाइथन डाउनलोड करें, फ्री है, अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें, मेरे वाला कोड अपने पाथ में ले जाएं, जिसका पाथ है 3.8 का पाथ जो है उस पाथ में रखें और चला दें, और आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में। आप वो वीडियो देखेंगे ना, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। आपने वो कोड रन किया है? मैंने शेयर नहीं किया हुआ, नहीं मैंने किया हुआ। आपने व्हाट्सएप नहीं देखा? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं शेयर किया? आज कर दूंगा, मुझे याद दिला देना। छोटा सा कोड है, गिटहब पे कहेंगे तो गिटहब पे रख देंगे,
वहां से डाउनलोड कर लें अगर आप गिटहब पे रख देंगे। किया हुआ है, कोड भेजा हुआ है ना? हाँ, तो आप यही कोड डाउनलोड करें। हाँ, और फिर नीचे लिखा हुआ है करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे नीचे। और या फिर हो सकती है आपके पास एक बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी। बाय मॉडल, बाय मतलब दो, मॉडल मतलब पीक्स, तो बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की होगी। ऐसे इसमें दो पीक्स हैं, मॉड वन है बाय मॉडल। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कब एनकाउंटर होती हैं, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका एनकाउंटर कब होता है। अच्छा, एक PS11 लेक्चर है जो कि सोलली मिनी टाइप के ऊपर है, वो शायद ये है जिसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि आपने डॉट प्लॉट गिवन सम डेटा, डॉट प्लॉट किस तरह बनाना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। यार अगर बड़ी बात सुनो, अगर यहाँ की गप्पी लगानी है क्लास में तो घर में ऑनलाइन पढ़े गप्पी लगा लो, ऊपर मतलब है ऑनलाइन रह के गप्पी लगा लो, हमें बता के जी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, वहाँ गप्पी लगा लो, क्लास में आके फिर गप्पी लगाने का क्या फ़ायदा, जबकि हम तो खुद कह रहे हैं कि घर में रहकर पढ़ो। हैं, समझ ज़्यादा आती है गप्पे लगा के? मैं कह रहा हूँ कि क्लास में आके जो गप लगानी है उससे बेहतर है घर में रहे, फिर क्या ख्याल है? अच्छा, तो उसके बाद है चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू में हमने पढ़ा था 12th लेक्चर, 11th लेक्चर आप देख लीजिएगा, वो मिनी टैब के ऊपर है, इस तरह से वहां पर डॉट प्लॉट और रेलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाए जा सकते हैं। और फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर टू, और चैप्टर नंबर टू में न्यूमेरिकल मेजर्स हैं। न्यूमेरिकल मेजर्स, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ऐसे मेजर्स जो नंबर्स से रिलेटेड है, नंबर बेस्ड इवैल्यूएशन और एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके अंदर हमारे पास हमें नंबर बेस्ड ग्राफ्स तो हमने बना लिए हैं, हमने नंबर बेस्ड या न्यूमेरिकल मेजर्स हमें क्यों बताने होते हैं, मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक हिस्टोग्राम है, अब अगर आपने किसी को एक हिस्टोग्राम सिमेट्रिक है, आप उसके बारे में ऐसे सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है या इस तरह की बायो मॉडल हिस्टोग्राम है, तो अगर आप इसके बारे में किसी को फ़ोन कॉल पर बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि एक डेटा है उसमें मुझे 3 और 7 के ऊपर दो पीक्स मिल रही हैं, पीक्स की हाइट्स हैं 100 और 130, और मिडिल वैल्यू ऑलमोस्ट 5 है, और इसके अलावा मतलब सिमेट्रिक नहीं है, एक लेफ्ट साइड पे, मतलब ऐसे कुछ बोलेंगे आप उसके बारे में। हो सकता है आप ये कहना चाहें आपके पास एक ऐसी हिस्टोग्राम हो, आप हो सकता है उसके बारे में ये कहना चाहें कि इस हिस्टोग्राम का एक हिस्टोग्राम है, उसका मीन यानी उसका एवरेज है, उसका सेंटर 3 पर है और उसका स्प्रेड 2 है, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। हो सकता है आप कहें कि जी मेरे पास एक हिस्टोग्राम है, उसका सेंटर 5 पर है और उसकी हाइट इतनी है और उसका स्प्रेड इस वाली से थोड़ा सा ज़्यादा है ना? ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपने फ़ोन पे किसी को बतानी हो, सही है, या आप दो इंस्टाग्राम से कंपेयर करना चाह रहे हो या फ़ोन पे उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, तो आप क्या मेजर यूज़ करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स, फिर ग्राफिकल मेजर्स के अलावा आपको न्यूमेरिकल मेजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जिसमें हमें न्यूमेरिकल मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसलिए हम इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर टू में न्यूमेरिकल मेजर्स पढ़ेंगे। और जो न्यूमेरिकल मेजर्स हैं वो सैंपल के लिए भी पढ़ेंगे और
और हम पॉपुलेशन के लिए भी पढ़ेंगे। जो मेजर्स हम सैंपल के लिए पढ़ते हैं वो ओवर अ सैंपल हम कैलकुलेट करते हैं, जो पॉपुलेशन के लिए है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पॉपुलेशन के लिए करते हैं जिससे कोई सैंपल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जो सैंपल के लिए करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक का मतलब होता है वेरिंग और चेंजिंग। जबकि पॉपुलेशन के लिए हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कंप्यूट करते, बल्कि अगर कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स कंप्यूट करें तो उनको स्टैटिस्टिक नहीं कहते बल्कि उनको पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स चेंजिंग या वेरिंग होते हैं। क्यों होते हैं वेरिंग, स्टैटिस्टिक क्यों कहते हैं और ये वेरिंग क्यों होते हैं, कोई बताए? स्टैटिस्टिक क्यों कहते हैं और ये वेरिंग भी क्यों होते हैं? हाँ, क्या करते हैं? आगा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। वेरिंग इसलिए होते हैं कि ये होती है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन से अगर आप एक सैंपल कलेक्ट करें, सैंपल नंबर वन, तो अगर वो ऐसे है, फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन में वन से लेकर टेन तक नंबर्स हैं, आप एक थ्री ऑब्जर्वेशंस का, थ्री मेजरमेंट्स का एक सैंपल लेते हैं, आपको मिल गई ये, फिर आप एक और ले लेते हैं, आपको मिल गया, फिर आप एक और ले लेते हैं, आपको मिल गया, तो क्या होगा? सैंपल टू सैंपल मीन चेंज हो जाएगा ना, एवरेज, इसका एवरेज और है, ये डेटा और है, इसका एवरेज और है, इसका एवरेज और है, इसका एवरेज और है, सही है? तो सैंपल एक सैंपल नहीं होता ना, मल्टीपल सैंपल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं पॉपुलेशन से। हर दफा अगर आप रैंडमली कुछ डेटा पिक करते हैं, सैंपल पिक करते हैं, एक रैंडम सैंपल पिक करते हैं, तो हर दफा क्या होगा आपके पास, हर दफा आपके पास डिफरेंट, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डेटा आ जाएगा, मतलब, और उसके पैरामीटर्स न्यूमेरिकल मेजर जो आप उसके ऊपर कंप्यूट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आसान मीन हो सकता है, एवरेज, वो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए उस पैरामीटर का नाम पैरामीटर नहीं है बल्कि न्यूमेरिकल मेजर्स का नाम स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक मतलब द थिंग दैट इज चेंजिंग, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसको। तो जो सैंपल के ऊपर कंप्यूट करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो पॉपुलेशन के ऊपर कंप्यूट करते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। और वो फिक्स होते हैं, पैरामीटर्स तो फिक्स ही होना है ना, पॉपुलेशन से ऊपर तो कुछ नहीं है, पॉपुलेशन में मतलब सारी चीजें, ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स। तो हम इसमें दो मेजर हमने पढ़े हैं, मेजर ऑफ सेंटर एंड मेजर ऑफ स्प्रेड। तो पहले हम आज हम मेजर ऑफ सेंटर को स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ सेंटर को थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंटर का मतलब होता है कि सेंट्रल, जैसे सेंट्रल, एक चीज हमने मेजर ऑफ सेंटर जो हमने बचपन में ही पढ़ ली थी, जब हम स्कूल में थे तभी हमने पहला मेजर ऑफ सेंटर हमने स्कूल में ही पढ़ लिया था, जब हम एक स्कूल स्टूडेंट थे तो फर्स्ट मेजर ऑफ सेंटर हमने वहीं पढ़ लिया था, वो क्या था? एवरेज, बिल्कुल सही है। और भी होते हैं, मतलब मीन या अरिथमेटिक मीन के अलावा हम दो और भी पढ़ेंगे, वो हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मीडियन और मॉड भी होते हैं जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आज हम सिर्फ मीन पढ़ेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो मेजर है, मेजर ऑफ सेंटर मीन, ये हमने पहली दफा स्कूल में पढ़ा था, ये हमने पहली दफा स्कूल में पढ़ा था। ये हमने पहली दफा स्कूल में पढ़ा था मीन। मीन मीन क्या होता है? मीन कंप्यूटेड ओवर अ सैंपल है। चले जाओ यार। अच्छा जी, हम
मीन क्या है जी? एक्स बार और म्यू, ठीक है, दो लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, एक्स बार से, या एक्स बार मतलब एक्स बार भी हो सकता है, वाई बार भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिससे आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम एक्स मोस्टली हम एक्स से करते हैं, वेरिएबल है मतलब वेरिएबल की वैल्यू, एक्स वेरिएबल का नाम एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी, कोई भी नाम हो सकता है, तो एक्स मोस्ट कॉमन है, एक्स बार लिख देते। लेकिन ये म्यू भी है, म्यू क्या चीज़ है? मैंने बताया हुआ है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर से, जिसने वीडियो लेक्चर सुना होगा ना वो बता देगा कि ये दो क्यों है, मीन के लिए दो लेटर्स क्यों यूज करते हैं, जिसने मेरा वीडियो लेक्चर सुना होगा वो बताएगा। हाँ जी, एक पॉपुलेशन, बिल्कुल सही, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये मीन आपने छोटे से एक सैंपल के ऊपर जिसमें चंद मेजरमेंट्स हैं उसके ऊपर कंप्यूट किया है, जो होल पॉपुलेशन के ऊपर किया है जिसके अंदर थाउजेंड्स मिलियंस बिलियंस ऑफ मेजरमेंट्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स, ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स के ऊपर किया है, या उस उन पॉसिबल मेजरमेंट्स में से एक सबसेट लेकर जिसको आप एक सैंपल कहते हैं उसके ऊपर किया, इट डिपेंड्स, ठीक है जी। तो सैंपल मीन का नाम है एक्स बार और पॉपुलेशन के मीन का नाम है म्यू, ये मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। और हम सैंपल मीन क्यों कंप्यूट करते हैं, जब पॉपुलेशन मीन भी एग्जिस्ट करता है हम सैंपल मीन क्यों कंप्यूट करते हैं, व्हाई डू वी कंप्यूट सैंपल मीन, दो क्यों है, जब पॉपुलेशन का मीन हम कंप्यूट कर सकते हैं म्यू है, तो व्हाई डू वी कंप्यूट सैंपल मीन। Why do we compute sample mean? Because computing mu मतलब mean मतलब x bar. Because computing mu can be time taking. Can be time taking or in some cases this could be impossible. एक शोर के ऊपर आप सैंड की, सैंड के हर पार्टिकल की हर पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हैं। अब शोर के ऊपर कितने सैंड पार्टिकल्स हैं, हर सैंड पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पकड़ के जान सकते, तो क्या करेंगे, सैंपल्स ले लेंगे, ठीक है। सारे पाकिस्तान के अंदर सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एज जानना चाहते हैं, कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, आप क्या करते हैं सैंपल ले लेते हैं। तो सैंपल मीन एक्स बार ये करता क्या है, एक्स बार इज यूज टू estimate mu, estimate mu, हम mu measure नहीं कर सकते, हम mu को indirectly measure करते हैं, हम बड़े चलाक हैं, हम कहते हैं mu measure तो नहीं कर सकते, mu calculate तो नहीं कर सकते, तो क्या करें, हम कहते हैं mu को estimate करते हैं, estimate करते हैं, किससे करते हैं, sample mean से। और ये कौन सी स्टैटिस्टिक मैंने शुरू में बताया था, इसका क्या नाम है, इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल स्टैट है ये, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप स्टैटिस्टिक लेकर यानी सैंपल के पैरामीटर्स को लेकर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। आपको नहीं पता कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या हैं, आप उनको एस्टिमेट करते हैं बाय कलेक्टिंग रैंडम सैंपल्स, रैंडमली कलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट जगहों से, रैंडमली कलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन, एक अच्छी एस्टिमेशन दे रहा है किस चीज़ की, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स की, पॉपुलेशन के पैरामीटर। तो सैंपल का स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन के पैरामीटर का
एस्टिमेट होता है अगर पॉपुलेशन, अगर सैंपल एक रैंडम सैंपल है। एक्स बार आखिरी बात आज की ये है कि एक्स बार कंप्यूट कैसे करते हैं, हाउ इज एक्स बार कंप्यूटेड। एक्स बार मतलब क्या बोलते हैं इसको, सैंपल मीन। कंप्यूट कैसे करते हैं, एक्स बार कंप्यूट करना आसान है, एक्स बार कंप्यूट करते हैं एक समेशन का साइन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। हमेशा स्मॉल एन से हम सैंपल के नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को शो करते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन अ सैंपल स्मॉल एन के साथ। जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि एक डेटा है 291156, एक एग्जांपल है इसमें हमारे पास डेटा है 295106 291156। ये मैंने नोट्स में सॉल्व किया हुआ है, ये पॉइंट्स हैं, ये सारा डेटा एक्स है। अगर ये सारा डेटा एक्स हुआ तो ये टू क्या हुआ, एक्स सब वन सबस्क्रिप्ट वन, ये सारा एक्स है, ये क्या हुआ एक्स सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे जो लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होता है जो ऊपर लिखते हैं, एक्स सब टू, सब सब भी बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट पूरा नहीं बोलते सब बोल देते हैं। 11 हुआ एक्स सब थ्री, 5 हुआ एक्स सब फोर, और ये हुआ एक्स सब फाइव। ठीक है, इस सारे का नाम एक्स है, इस पूरे का नाम एक्स है, लेकिन इसमें 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, उनको अगर इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना हो तो एक्स के साथ सबस्क्रिप्ट में आप 1, 2, 3 लिखते हैं उनको इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए, हर डेटा पॉइंट को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए। ये समेशन का साइन क्या होता है, ये एडिशन होता है, पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है। यानी अगर ये ऐसे है समेशन I from 1 to n x sub i, इसका मतलब है i की 1 से n की सारी वैल्यूज ट्राई करनी है और x sub that value उनको ऐड करते जाना है। ठीक हो गया जी, x1 x2 x3 up to xn सबको ऐड करते जाना। अगर 5 हुए तो ये दो बच्चे अभी गाड़ियां लेकर सामने गए हैं, अगर भाग के इनकी तस्वीर खींचाएं दोनों गाड़ियों की, जीप से साइलेंसर लगाए हुए हैं दोनों। अच्छा, तो और डिवाइड बाय एन, अगर आपके पास ये डेटा हो तो इसमें एन क्या है, एन क्या है इसमें, हाँ रोल नंबर 5 है इस डेटा सेट में, एक्स एन 5 है इस डेटा सेट के लिए, एन 5 है, तो इसका एक्स बार क्या होगा, एक्स बार होगा इस एग्जांपल के लिए, एक्स बार होगा समेशन 1 to 5 एक्स आई डिवाइडेड बाय 5। हमने क्या किया, वो जनरल है, वो जनरल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये जनरल है। मिले, ये जनरल है और ये है फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला हो गया 1 to 5 एक्स आई ओवर 5। ठीक हो गया, अब बात क्लियर होगी। वो जनरल है, ये जनरल, ठीक हो गया। तो अब अगर हमें मीन कंप्यूट करना हो तो कैसे कंप्यूट करेंगे? बहुत आसान है, व्हाट्सएप कर देना मुझे। एक्स मीन हो गया, जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन, एन फाइव है तो अप टू एन अप टू फाइव। ओवर फाइव, ठीक हो गया जी। तो एक्स वन है, एक्स सब वन है, एक्स सब वन क्या है 2, x सब 2 है 9, 2 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 6 ओवर 5। तो ये वही है जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है और इसका आंसर है 6.6। तो ये एक स्टैटिस्टिक है, मैंने बताया हुआ है कि हमेशा जो सैंपल के पैरामीटर, सैंपल से आप जो कैलकुलेशंस करते हैं, मेजर्स कंप्यूट करते हैं, वो स्टैटिस्टिक होते हैं और वो किसका एस्टिमेट होते हैं, पॉपुलेशन का एस्टिमेट, पॉपुलेशन का एस्टिमेट। एक और एग्जांपल लास्ट इस चैप्टर के, ये वीडियो लेक्चर हमने यहाँ पे एंड किया था, मैंने एक और एग्जांपल भी सॉल्व की थी, एग्जांपल नंबर 2। और वो ये थी, वही बर्थ वेट्स का डेटा जो अभी चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, अगर हमने उसके ऊपर, इसमें 30 ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास, 30 मेजरमेंट्स थी, अगर उस सैंपल का सैंपल मीन कंप्यूट करना हो तो आप कैसे करेंगे? अभी जो हमने ये यहाँ पर ड्रॉ किया था बर्थ वेट्स का डेटा, वो कैसा था, एक्स बार क्या फॉर्मूला बनेगा, समेशन आए फ्रॉम 1 to, यहाँ क्या लिखूँ, 30 थे ना, 30 मेजरमेंट्स एक्स आए ओवर ही 30, बिल्कुल सही, ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ से देख लेना। तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स 30 डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया था। तो उसमें जो मेजरमेंट्स थी वो ऐसी थी 7.2, 7.8 ऐसी थे ना, फर्स्ट मेजरमेंट थी 7.2, फिर 7.8, फिर थी 6.8, आप ऐड करते जाएंगे, घर जाके आप ये कर लीजिएगा, आखिरी 7.7 डिवाइडेड बाय 30, ये इसका मीन पता लगे। तो अगर बर्थ वेट का डेटा आपके पास है और आप किसी को बताना चाहते हैं कि इस डेटा में मीन बर्थ वेट क्या है, यानी एवरेज बर्थ वेट, एक न्यू बॉर्न का एवरेज बर्थ वेट है 7.57 पाउंड्स। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंटर में मीडियन और मॉड हमने पढ़े हैं 13th लेक्चर जो है हमारा P&S 13, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैंने एक मीटिंग में जाना है, टाइम भी होने वाला है हमारा 11:20 तक है ना, 11:12 हो गया। क्वेश्चन, अब इसे आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सेल की शीट पे हम किसी भी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद
कि सॉफ्टवेयर का बताना नहीं है, यहाँ पर मकसद ये है बताने का पर्पज ये है कि हम ऐसे ऐसे मीन ऐसे कंप्यूट करते हैं, मतलब इसका पर्पज ये है कि हम मीन को हमने इंट्रोड्यूस कराया। इस मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स हमने FSC में पढ़े हुए हैं, जो FSC मैथ्स करके आए हैं उन्होंने ये तीन टाइप के मीन्स पढ़े होंगे। किसकी है प्री इंजीनियरिंग के साथ FSC? आपकी नहीं है, आपको इसलिए आपको आइडिया नहीं है। ये थ्री मीन्स हम पढ़ते थे, उनमें सबसे कॉमन मीन यही होता है अरिथमेटिक मीन, तो इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और इसको मीन भी कहते हैं, सैम्पल मीन भी कहते हैं क्योंकि हम सैंपल के ऊपर कंप्यूट कर रहे होते हैं। और क्या क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू।